तो चलिए आज हम जानेंगे कैसे किसी भी मोबाइल में OTG कनेक्शन को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। जैसे कि OTG को हम लगाते हैं तो वहाँ पे रेडमी मोबाइल जैसे मेरा है तो इसमें कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं MI का है। तो यहाँ पे आपको आना है सर्च में, यहाँ पे सर्च करना है आपको OTG। ये जैसे ही सर्च करिएगा तो यहाँ पे इस मोबाइल में कोई फंक्शन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो क्या करना है अब हम आपको बताते हैं। आपको अबाउट फ़ोन में आना है। अबाउट फ़ोन में आने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। सॉरी, इस पर नहीं क्लिक करना है, एक सेकेंड, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं MI वर्जन डिवाइस नेम, यहाँ पे ये जो होता है इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे 7 बार क्लिक करना होता है, तो हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं You are now a developer। तो बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे developer, या फिर आपको बैक होना है तो हम बिना सर्च किए हुए बताते हैं, क्योंकि किसी में अगर सर्च का ऑप्शन नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो नीचे आना है आपको सिंपली, तो हम नीचे आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग नाम का ऑप्शन रहता है, तो एडिशनल सेटिंग आपको खोज लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम, लैंग्वेज एंड इनपुट, रीजन, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, बटन शॉर्टकट, नोटिफिकेशन लाइट, क्विक वॉल। और उसके बाद यहाँ पे वन हैंड मोड और एसेबिलिटी, उसके नीचे इंटरफेस मोड, और उसके बाद डेवलपर ऑप्शन। इस पर डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम दिखा देते फिर से, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है, तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो क्या करना है, हम OTG हम सेट करना चाहते हैं तो आपको नीचे आना है। शुरू से आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है कोई ऑप्शन OTG का ऑप्शन, आप देख सकते हैं। हम पूरा दिखा देते हैं आपको पहले, फिर उसके बाद हम बताएँगे क्या करना है। तो आप यहाँ देख लीजिए कोई भी ऑप्शन OTG का नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते USB ये है, तो USB नाम का होगा आपके पास भी, तो इस तरह का इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ओके का क्लिक कर देना। उसके बाद आप OTG सेलेक्ट करेंगे, मतलब OTG लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी। तो आप इसी तरह से आप OTG अपना लगा सकते हैं, क्योंकि MI और Redmi के ऑप्शन में, MI जो मोबाइल होता है उसमें नहीं होता ये फंक्शन की डायरेक्ट OTG, अन्यथा और जितने भी डिवाइस होते हैं तो उसमें होती है OTG का डायरेक्ट ऑप्शन, वहां से ऑन कर लिया जाता है, बट इसमें नहीं होता। तो इसमें कैसे करेंगे, तो आज ये वीडियो से हम देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, किस कोई टॉपिक मिलेगी तो उस पर बना देंगे। तो आपको अगर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर सकते हैं।